नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में कांग्रेस आज से अगले डेढ़ दो साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी आगामी रणनीति को लेकर मंथन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस में देश भर के 400 बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। चिंतन शिविर में पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार होगा। इसके अलावा आने वाले चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। इतना ही नहीं, चिंतन शिविर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, किसानों के मुद्दों और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए दिल्ली से उदयपुर ट्रेन से रवाना हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी जब ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को उपहार भी दिए। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से कहा, आप एक दिन पीएम बनेंगे, देश की सेवा करें, आप जैसा नेता कोई नहीं। यूं तो 3 दिन के शिविर में अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन शुरुआती सत्र और समापन सत्र जैसे संयुक्त आयोजन के लिए एक बड़ा सा एयर कंडीशन शामियाना तैयार किया गया है। इसमें लगभग 500 लोगों के बैठने का इंतजाम रखा गया है। चूंकि इस आयोजन में देश भर से प्रतिनिधि पहुंचेंगे, इसलिए हर एक के जायके के हिसाब से मेन्यू तैयार किया गया है। इसके लिए खास तौर पर देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों से शेफ बुलाए गए हैं, जो इन 3 दिनों में तरह तरह के भोजन परोसेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज, निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।